हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि गाइस आप लोग अपने स्मार्टफोन के अंदर जो इंटरनेट डेटा वगैरह के यूज़ करते हो, मान लीजिए आप लोगों के पास से जो 1.5 GB डेटा आप लोगों को डेली मिलता है और उसमें से गाइस आप लोगों ने जो 2 से 3 घंटे तक जो है यूज़ किया, उसके बाद गाइस आप ये सोच रहे हो भाई हमारा जो इंटरनेट डेटा है वो डेटा कितना बचा हुआ है। तो उसके लिए कि अगर आपके पास जियो की सिम है तो आप माई जियो एप्लीकेशन के अंदर जाके चेक करोगे कितना डेटा हम लोगों ने यूज़ किया, कितना डेटा बचा हुआ है। या अगर आप अदर टेलीकॉम कंपनीज की सिम यूज़ करते हो तो जो उनका जो कोड आता है उन कोड को एंटर करके फिर आप लोग देखते हो कितना डेटा बचा हुआ है, कितना डेटा हम लोगों ने यूज किया है। तो इसमें कैसे आप लोगों को बहुत ज्यादा ये जो चीज है बोरिंग लगती होगी कि माई जियो एप्लीकेशन के अंदर जाओ या अदर टेलीकॉम कंपनीज की सिम यूज करते हो तो वो कोड एंटर करो, बहुत सब बोरिंग सी चीज लगता है। तो इसमें कैसे आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक कमाल की जो ट्रिक लेके आऊँ, इसके मदद से जो आपके मोबाइल की जो होम स्क्रीन है वहीं पर आपको सारा चीज शो कर देगा कितना डेटा बचा हुआ है, कितना डेटा आप लोगों ने यूज किया है। तो ये बहुत ही कमाल की जो ट्रिक है मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इससे क्या आप लोगों को बिल्कुल भी जो बोरिंग फील नहीं होगा क्योंकि आपको सारा जो चीज है वो आपके होम स्क्रीन पर शो कर देगा, यानी कि कितना आप लोगों ने डेटा यूज किया। इसमें गाइस एक चीज और है कि वाईफाई का जो ऑप्शन है वाईफाई का भी आपको मिल जाएगा, यानी कि वाईफाई के जरिए आप लोगों ने कितना डेटा यूज किया ये भी गाइस वहां पे आप लोगों को शो कर देगा। तो किस तरह से आपको ये सारा चीज सेटअप करना है डिटेल में आगे मोबाइल स्क्रीन पर बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से क्लास तक देखते रहिए, मेरा नाम सुबीर, आप देख रहे टेक्निकल यूट्यूब चैनल, चलो जुड़ो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक ही नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दीजिए। तो गाइस इस सेटिंग्स को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको ये गो टू सेटिंग्स का जो ऑप्शन दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे गाइस क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ आपको एक्सेस करने के जो इनेबल करने के लिए ऑप्शन आएगा तो आपको इनेबल कर देना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको डेटा काउंटर जो विजिट का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से जो इनेबल करने के लिए बोला जा रहा है यूजर एक्सेस तो इसको आप यहाँ से परमिशन दे देना है। उसके बाद आपको आ जाना है बैक, बैक आने के बाद लेट्स को जो ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो अलाउ करने के लिए ऑप्शन आएगा तो अलाउ आपको कर देना है। उसके बाद गाइस आपके सामने एप्लीकेशन का इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अब गाइस यहाँ पे हमारा कुछ थोड़ा बहुत काम नहीं है तो अब हम आ जाएंगे बैक। बैक करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, आपके मोबाइल जो स्क्रीन है उसके ऊपर आपको टैप करना है। जैसे गाइस टैप करोगे तो आप विजिट का जो ऑप्शन दिख रहा है तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे गाइस क्लिक करोगे तो अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको एक ऑप्शन ढूंढना है डेटा काउंटर विजिट का, तो इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टैप करके रखना है और इसे यहाँ से टैप करके रख देना है और यहाँ पे बिलिंग साइकिल का जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आप जो मंथली जो ऑप्शन दिख रहा है इसको हटा के आपको यहाँ पे डेली एक्स डे कर देना है। करने के बाद आपको यहाँ पे जो ओके का जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और एड विजिट का जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जिसके क्लिक करोगे तो आपके सामने जो ऑप्शन आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 229 MB आप लोगों ने अभी यूज़ कर लिया, यानी कि मैंने आज अभी तक जो है 229 MB को अभी तक यूज़ किया है, मेरे 1.5 GB डेटा में से 229 MB मैंने यूज़ कर लिया है। उसके बाद कैसे आप ये एक ऑप्शन और भी देखने को मिलेगा वाईफाई का, यानी वाईफाई के अगर आप लोगों ने वाईफाई के जरिए कितना डेटा यूज़ किया वो भी कैसे आपको यहाँ पे शो कर देगा। अभी कैसे हमें फिलहाल शो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने अभी वाईफाई के जरिए जो है कोई भी डेटा यूज़ नहीं किया है। जब भी कैसे वाईफाई के जरिए कोई भी डेटा यूज़ करोगे तो वाईफाई का भी आपको यहाँ पे दिखा देगा, या आपके मोबाइल डेटा में से 1.5 GB डेटा में से आप लोगों ने कितना डेटा यूज़ कर लिया है, कितना बचा हुआ है, वो सारी चीज़ें कैसे यहाँ पे शो कर देगा। यानी 229 MB मैंने अभी यूज़ कर लिया है, यानी 1300 MB के आसपास मेरा अभी अभी बचा हुआ है। तो कैसे यहाँ पे आने के बाद एक सेटिंग में आपको और बता दूं, इस एप्लीकेशन के अंदर जाना है, यहाँ पे मोर वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर जाना है और यहाँ पे सेटिंग्स का जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन देगा कि कॉन्फ़िगर इंडिविजुअल विजिट का जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद आपको डिस्प्ले व्हेन एम्प्टी का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है। उसके बाद जो वाईफाई का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिस्प्ले व्हेन एम्प्टी के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बे कर देना है, बे करने के बाद आपको एक ऑप्शन देगा विजिट अपडेट रेट का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो 2 मिनट का ऑप्शन दिया है इसकी जगह आपको 1 मिनट कर देना है, यानी कि आपको हर 1 मिनट के बाद आपको यहाँ पे अपडेट हो जाएगा कि कितना डेटा आप लोगों ने यूज किया, यानी कि हर 1 मिनट के बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे कैसे वाईफाई का जो ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हो वो भी इनेबल हो चुका है। तो जैसे कैसे वाईफाई के जरिए आप कोई भी डेटा यूज करोगे तो वो भी आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है गाइस, आप लोगों को कोई भी जो है माई जियो एप्लीकेशन के अंदर जाके जो है देखना नहीं पड़ेगा कि आप लोगों ने कितना डेटा यूज किया है, कितना बचा हुआ है, या कोई अदर टेलीकॉम कंपनी यूज करते हो तो आपको उनका जो कोड आता है कोड भी एंटर करने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी कि आप जब भी डेटा यूज कर लोगे, यानी कि जितना आप लोगों ने डेटा यूज किया आप जब भी बैक आओगे तो आपको होम स्क्रीन पे सारा कुछ जो है अपडेट देखने को मिलेगा कि कितना डेटा आप लोगों ने यूज किया है। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से जो है आपको इस एप्लीकेशन को यूज करना है, किस तरह से सेटअप करना है। आपको सिर्फ एक बार सेटअप करना है, उसके बाद आप लोगों को इस एप्लीकेशन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसके बाद जब भी आप लोग डेटा यूज करोगे तो आपको वहां पे काउंट होता रहेगा, मोबाइल डेटा कितना यूज किया वो आपको शो कर देगा, वाईफाई के जरिए आप लोगों ने कितना डेटा यूज किया वो भी गाइस आप लोगों को वहां पे
शो कर देगा पूरा। तो बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लीजिए। जो भी आपका सवाल होता है वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल जो नोटिफिकेशन बेल उसे दबा दीजिए। चलिए सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।